का सेशन है ये बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। बिकॉज आज जो सेशन हमारे बीच में करने लीडर आए हैं वो आज वेस्टीज में यूथ सेंसेशन है, और इंट्रोडक्शन की उनको कोई जरूरत नहीं है। आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो मिस्टर शिवम गोस्वामी जी हैं, और इस तरह के एक्साइटमेंट के साथ वो जनरली कोई भी सेशन नहीं करते हैं। तो आपका एक्साइटमेंट थोड़ा सा जरूरी चाहिए, मतलब आप जब मैं उन्हें इन्वाइट करूंगा तो आप डांस कर सकते हैं, आप क्लैप कर सकते हैं, और आप बहुत ध्यान से अगले लगभग एक घंटे बहुत ध्यान से उन्हें सुनिएगा, क्योंकि आज अगर उनका नाम और उनका बिजनेस इतनी तेजी से बढ़ा है, उतना सम्मान उनको मिलता है, तो उसके पीछे आज वो शेयर करेंगे कि क्या क्या स्ट्रगल, क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए। न जाने कितने समय ऐसे आए जब उनका मन किया कि इस बिजनेस को छोड़ देता हूं, लेकिन वो कमिटमेंट के साथ इस बिजनेस में लगे रहे, एक्शंस के ऊपर उन्होंने फोकस रखा, अपने एक्शंस को इन्होंने मैसिवली और ज्यादा कर दिया, और यही रीजन है कि आज पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि जहां जहां वेस्टीज का नाम है वहां वहां शिवम गोस्वामी जी का नाम है। तो हम सभी लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे, मैं आप सब लोगों की गुड मॉर्निंग सर, एक सेकंड तो हम सब लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे शिवम गोस्वामी जी का, और अगले लगभग एक घंटे के अंदर वो हमें अपनी सारी जर्नी शेयर करेंगे और क्या क्या लर्निंग्स हमारे सभी साथियों के लिए वो आज शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू शिवम जी। थैंक यू सो मच रजी सर, एंड थैंक्स एवरीवन, एवरी वेस्टीजियन जिन्होंने आज सुबह उठ के अपना कीमती समय निकाला, और मुझे ऐसा लग रहा है आप सबको डेली उठते हैं, मैं आज जल्दी उठ रहा हूँ। सो थैंक यू सो वेरी मच आप सबके लिए, और आई होप आज का ये जो कीमती समय आप सबने निकाला है, आई बी एबल टू गिव माई बेस्ट, और मेरी स्टोरी से, मेरे एक्सपीरियंस से जो भी मैंने हासिल किया है वो मैं आपको जरूर बता पाऊंगा। देखिए दोस्तों, दो तरीके के लोग इस दुनिया में होते हैं, पहले होते हैं बुद्धिमान, दूसरे होते हैं अति बुद्धिमान। बुद्धिमान अपने एक्सपीरियंस से काम करते हैं, और अति बुद्धिमान दूसरे के एक्सपीरियंस से काम करते हैं। तो मैं आज बिल्कुल ये चाहूंगा कि आप बुद्धिमान ना बने, अति बुद्धिमान बने। इस बिजनेस में कामयाब होना है तो जो सक्सेस पे है उन्होंने क्या गलतियां करी हैं, आप उनसे उन गलतियों को पूछे ताकि वो गलती आप ना करें। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि अति बुद्धिमान हम सबको बनना है और इस बिजनेस में सबको आगे बढ़ना है। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आई होप यू ऑल आर एनर्जेटिक, यू ऑल आर परफेक्ट, और यू ऑल आर फिट, यू आर ऑल फैंटास्टिक। जैसे आप सब मैं देख रहा था, सुन रहा था, आप सारे लोग एफर्मेशंस यूज कर रहे थे, यू वर डूइंग विजुअलाइजेशन, तो बहुत जरूरी है ये सारी चीजें। चलिए तो जानते हैं मेरे बारे में, आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी से सुन रखा होगा। दोस्तों आपने इंटरवल के बाद की पिक्चर देखी है, अब मैं आपको आज इंटरवल से पहले की पिक्चर दिखाने वाला हूँ। आपने क्या देखा है कि क्या इनकम है, क्या लेवल है, क्या सारी चीजें हैं, पर आज मैं आपको वो चीजें समझाने बताने आया हूँ दोस्तों, कि आपने तो वो पिक्चर देखी है जो क्लाइमेक्स है, जो आज आप देख रहे हो, बट सर का ताज आपने देखा है, पांव के छाले में आज आपको दिखाने आया हूँ कि कितनी मेहनत करी है, कितने लोगों की ना सुनी है, कैसे कैसे दिन देखे हैं, तो वो सारी चीजें आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों मैं आपको ज्यादा समय आज स्टोरी पे नहीं लूंगा, आज मैं ज्यादा समय आपको सिखाने पे लूंगा, राइट। अब मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी पहले दो ऑप्शन थे वेस्टीज से पहले। क्या ऑप्शन था मेरे पास? यस, मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे पास, मैं पढ़ाई में जा सकता था, मैं पढ़ाई में अच्छा था, आई कुड गो फॉर अ जॉब, राइट। दूसरा ऑप्शन मेरे पास था कि मैं अपने फादर के बिजनेस में जा सकता था। लोग आसान रास्ता चुनते हैं क्योंकि मेरे फादर के बिजनेस में मुझे कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं था, उनके फैक्ट्री जाता, काम बैठा रहता और पैसा आ जाता। बट माय डियर फ्रेंड, इन दोनों चीजों को मैंने साइड रख के वेस्टीज को क्यों चुना, मैं आपको उसका सबसे बड़ा अगर रीजन बताऊं, मेरे फादर 16 साल की उम्र में यूपी से दिल्ली आए थे। अब 16 साल की उम्र में और आज उनकी उम्र लगभग 60 ईयर्स, 16 साल से 60 साल की उम्र तक आज तक अगर वो फैक्ट्री नहीं खोलेंगे तो पैसा नहीं आएगा। इसे कहते हैं एक्टिव इनकम। आपने कई बार सुना होगा एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, काम कर लो। मुझे याद है मैं, मेरे फादर मदर, हम सारे लोग एक बार वृंदावन जा रहे थे, तो ही सो मच कमिटेड टूवर्ड्स हिज वर्क कि रास्ते में उनका कोई कॉल आया क्लाइंट का और वो रास्ते से उतर के वापस काम पे चले गए, यानी आप ये लगा लो कि वो हमारे साथ वृंदावन नहीं गए। उतनी मेहनत करी है, इतना सब कुछ किया है लाइफ में, 60 ईयर हो गए, कोई विदेश यात्रा नहीं, कोई गाड़ी नहीं, और सबसे बड़ी चीज जो होती है ना, समय की आजादी, ना पैसे की आजादी। माय डियर फ्रेंड, आप सब ने 6-7 दिन पहले कौन सा त्योहार बनाया है?
कौन सा दिन मनाया है? इंडिपेंडेंस डे। हम सब ने इंडिपेंडेंस डे मनाया, पर आप सब लोग अपने आप से सवाल कीजिए, क्या आप इंडिपेंडेंट हैं? क्या आप इंडिपेंडेंट हैं? 1947 में भारत आजाद हो गया था और लोग आज तक गुलामी कर रहे हैं, चाहे वो जॉब की गुलामी हो। आजादी नहीं है दोस्तों, सोचने की आजादी है आपके पास, पैसे की आजादी है आपके पास, समय की आजादी है आपके पास। सुखाएगा इंडिपेंडेंस डे देश का? अपना कब बनाओगे दोस्तों? अपना इंडिपेंडेंस डे बनाओ, हमें अपना इंडिपेंडेंस डे बनाना है। जब हम इंडिपेंडेंट होंगे, और सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट तब होता है जब इंसान के पास टाइम फ्रीडम होता है, मनी फ्रीडम होता है, सोचने की आजादी होती है, कुछ करने की आजादी होती है। आज आप कहीं पे भी जाओ, आपके पास आजादी नहीं है। आप सोचते हो ये चार चीजें पसंद आती है, दो चीजें लेके जाते हो। क्यों? क्योंकि पैसे की आजादी नहीं है, राइट? पूरा दिन हम जॉब करते हैं या कोई काम करते हैं, और क्यों? हमारे पास समय की आजादी नहीं है, क्योंकि हमें पैसा चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड, तो ये दोनों ऑप्शन मेरे पास थे, पर इन दोनों ऑप्शन को मैंने साइड में रख के वेस्टीज को इसलिए चुना क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आ गई थी, 3 साल या 30 साल, 3 साल या 30 साल काम तो करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, चाहे 3 साल कर लो चाहे 30 साल कर लो। अब मैं अगर आपसे भी पूछूं कि अगर ऊपर वाला आए और आपसे बोले कि अभी 3 साल अपने आप को रगड़ दो, अभी 3 साल बहुत मेहनत करो, और 3 साल दिन रात धूप बरसात कुछ मत देखो, सिर्फ मेहनत करो, और 3 साल बाद आप राजाओं वाली जिंदगी जी सकते, और या फिर अभी 3 साल ऐश कर लो, मजे ले लो, एंजॉय कर लो, और फिर 30 साल काम करो, तो कौन सी लाइफ आप चुनना चाहोगे? और मुझे पता है सब यही बोलेंगे कि सर अभी 3 साल हम मेहनत करना चाहते हैं ताकि आने वाले 30 साल हम एंजॉय करें, राइट? बट माय डियर फ्रेंड, ये सवाल जब मैं पूछता हूं तो बहुत सारे लोग यही वाली लाइफ मांगते हैं कि 3 साल मेहनत। बट जब आप कमिटेड होते हो कि मैं 3 साल मेहनत करूंगा, तो 3 साल में जब मुश्किलें आएंगी, जब 30 साल का काम आपको 3 साल में करना है, तो 30 साल की मुश्किलें भी 3 साल में आने वाली है। 3 साल में आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, बहुत सारे लोगों की ना सुननी पड़ेगी, बहुत सारे लोग आपके ऊपर हंसेंगे, बहुत सारे लोग आपका मजाक उड़ाने वाले, बट क्या आप कमिटेड हो? क्या आप फोकस्ड हो? क्या आपके सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हो? माय डियर फ्रेंड, मुझे पता था कि जब मैं अपने सपनों को पूरा करने निकलूंगा तो बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे पर मुझे गलत बोलेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे पागल बोलेंगे, बट मुझे पता था 3 साल नहीं तो 30 साल। आप खुद सोच लीजिए दोस्तों, मुझे कभी कभी बहुत हंसी आती है जब कई इंसान बात करते हैं जनरेशंस की, हमारा वेस्टीज है जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन का बिजनेस, हमारे बाद हमारे परिवार को मिल जाता है। अरे बात आप लोग जनरेशन की करते हो और 3 साल मेहनत करने से डरते हो, कैसे काम चलेगा? इंडिया की ये जो बहुत सारे लोगों की जो शॉर्ट मेंटेलिटी होती है कि सर आज भर्ती और कल मिथुन चक्रवर्ती, आप नहीं हो पाओगे कामयाब, बिल्कुल नहीं हो पाओगे, आज आओ और कल क्राउन बन जाओ, नॉट पॉसिबल माय डियर फ्रेंड। सो मैंने इस बिजनेस को चुना, और जब मैंने इस बिजनेस को चुना तो मेरे लिए बड़ा टफ डिसीजन था। दोस्तों इंसान की लाइफ में दो चीजें बड़ी कीमती होती है, फैमिली और फ्रेंड्स, अनमोल। मेरे फैमिली भी मेरे अगेंस्ट और मेरे फ्रेंड्स भी मेरे अगेंस्ट, पर की फर्क पैंदा है? जब आप कुछ करने लगेंगे तभी तो लोग आपका विरोध करेंगे, तभी तो आपका लोग विरोध करेंगे। आज तक आप पे कोई हंसा? जब तक आप वेस्टीज में नहीं थे तब तक आप पे कोई हंसा? किसी ने आपको पागल बोला? किसी ने मजाक उड़ाया? और जब ये चीजें आपके साथ हुई नहीं तो आपने क्या कर लिया अपने लाइफ में? दोस्तों अगर आपका लोग मजाक उड़ा रहे हैं, आप पे लोग हंस रहे हैं, आपको लोग पागल बोल रहे हैं, तो समझ लो यू आर डूइंग समथिंग, आप कुछ कर रहे हो, उनसे अलग कर रहे हो। क्योंकि लोग उसी पेड़ पे पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पे फल होते हैं। अगर आज आपके ऊपर लोग पत्थर फेंक रहे हैं, यानी आप समझ लो आपके ऊपर फल आना स्टार्ट हो गए हैं। एंजॉय, यू आर डूइंग समथिंग। आलोचना सचिन की भी होती है, धोनी की भी होती है, शाहरुख की भी होती है, सलमान की भी, सबकी होती है, पर एक बार बताऊं उसी की होती है जो कामयाब होता है, कभी उसकी नहीं होती जो कामयाब नहीं होता। जिसका नाम ही नहीं होता वो क्या बदनाम होगा? जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, सुना तो होगा आपने। सो माय डियर फ्रेंड,
मैं यही चीज आप सबको बोलना चाहता हूँ कि अपने अनुभव से आज मैं बहुत सारी चीजें आपको सिखाना चाहता हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि जितना समय मुझे लगा उतना समय आप सबको ना लगे। तो जब मैं इस बिजनेस में आया, मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, सब कोई मेरे अगेंस्ट था, हर कोई मेरे अगेंस्ट, बट मुझे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि मेरे दिल ने भी बोला वेस्टीज, मेरे दिमाग ने भी बोला वेस्टीज। कई लोगों का दिमाग बोलता है जॉब, दिल बोलता है वेस्टीज, और वो बीच में फंस जाते हैं। जब एक चीज इधर जाएगी दूसरी इधर जाएगी तो आप बीच में रह जाओगे। मेरे दिल ने बोला वेस्टीज क्योंकि मुझे पता था, मैंने देखा था, मैंने देखी वेस्टीज की ताकत कि कितने सारे लोग हैं जिनकी ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है, लाखों रुपए कमा रहे हैं, लग्जरी कार चला रहे हैं। यार हम तो बचपन में कई लग्जरी कार में देख लेता था तो मुंह से एक ही चीज निकलती थी, वाओ क्या कार है। कभी सोचने की हिम्मत नहीं करेगी कि आम इंसान भी ये कार ले सकता है दोस्तों। तो मैंने डिसीजन लिया, और मेरे पे मैं आपको सच बता रहा हूं कि इतना टफ टाइम था वो। और मैं आपको बताऊं, जब भी आपके पास टफ टाइम आए तो समझ लेना ऊपर वाला आपका टेस्ट ले रहा है, ऊपर वाला आपका टेस्ट ले रहा है। और मेरे शुरू के 10 फ्रेंड्स, शुरू के 10 दोस्त, जिगरी यार, चट्टी बट्टी यार, कोई मेरे साथ नहीं आया। जो खाते साथ थे टेबल पे, एंजॉय साथ करते थे, घूमते साथ थे, खेलते साथ थे, मुझे लगता था भाई ये तो मेरी बीवी मेरे साथ रहे ना रहे, ये मेरे साथ सारी जिंदगी भर रहेंगे। पर एक ने भी वेस्टीज को ज्वाइन नहीं किया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, जब आप अपने दोस्तों को मीटिंग दिखाओ, या तो दोस्तों को छोड़ दो या सपनों को छोड़ दो, एक तो छोड़ना पड़ेगा। दोनों साथ में नहीं रह सकते, दोनों साथ में नहीं बन सकते। जिस तरह कामयाबी अगर पानी है तो बहाना नहीं बनेगा, उसी तरह कामयाबी के अगर रास्ते पे जाना है तो दोस्तों को तो छोड़ना पड़ेगा। हम में से बहुत सारे लोग, नहीं हम तो सबको लेके चलेंगे, पिकनिक पे आए हो सबको लेके चलोगे। माय डियर फ्रेंड, बहुत ज्यादा जरूरी है, कामयाबी के रास्ते में शुरू में संघर्ष अकेले करना पड़ता है। भीड़ तब आती है जब आप कुछ करके दिखाते हो, भीड़ तब आती है जब आप अपने आपको प्रूव करते हो, जब आपके अचीवमेंट्स बढ़ती है, जब आपके चेक्स बढ़ते हैं। इंडिया में भैरों को धमाके सुनाई देते हैं, धमाके, जब आप कुछ करोगे तब वो बोलते हैं हमें तो पता था तू जीवन में कुछ करेगा। अच्छा पता था तो शुरू में क्यों नहीं आया, ये सारे ऐसे बोलते हैं। बट यस, दोस्तों को छोड़। अब दूसरा कौन था? फैमिली। बहुत टफ टाइम, और फैमिली के तरकश में ऐसे ऐसे तीर होते हैं जो कहीं नहीं होते। चलो दोस्तों को तो झेल लेंगे, बीवी को कैसे झेलेंगे, माँ बाप को कैसे झेलेंगे, पति को कैसे झेलेंगे। माय डियर फ्रेंड, उनके तरकश में एक ब्रह्मास्त्र होता है, और वो ब्रह्मास्त्र का नाम है इमोशनल तीर, इमोशनल वार। और जब कोई वार काम नहीं करता तो कौन सा वार काम करता है? इमोशनल। कौन सा काम करता है? इमोशनल वार, जहां पे हमें बहुत ज्यादा इमोशनल किया जाता है। क्या करोगे, इससे बच्चे पालोगे, इससे क्या घर चलेगा, ये वो, मैंने तो बोला था कुछ नहीं होता ये, क्योंकि आप मोस्टली टाइम घर पे गालियां सुनते हो ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। बाहर वाले गाली नहीं दे सकते, बाहर वाले हंस सकते हैं, और घर वाले आपको कुछ भी बोल सकते हैं। सो वो बड़ा टफ टाइम होता है। मेरे लिए भी टफ था, मुझे भी बोला गया कि अपने तू फादर को देख कितनी मेहनत करते हैं, तू क्या कर रहा है, उनका बिजनेस तू नहीं करेगा तो कौन करेगा। बहुत सारी इमोशनल तीर छोड़े गए। पर दोस्तों आज एक मेरी बात याद रखना, ध्यान से सुनो, आंखें खोल लो, आज मेरी बात याद रखना। आप एक उस खिलाड़ी की तरह हो जो क्रिकेट के मैदान में बैटिंग करने उतरा है, नॉन स्ट्राइकर एंड पे, रनिंग पे आपका अपलाइन खड़ा है, रनिंग पे आपका अपलाइन खड़ा है, बॉलिंग आपके, अगर आपकी शादी हो गई है तो ये समझ लो कि जी बॉलिंग आपकी वाइफ करवा रही है, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो ये समझ लो बॉलिंग आपके फादर करवा रहे हैं, और मदर पीछे खड़ी है कीपरिंग पे, स्लिप पे आपके सारे दोस्त खड़े हैं, गली पे आपके दोस्त खड़े हैं, और पूरी बाउंड्रीज पे, फील्ड पे, थर्ड मैन पे, इधर सारे पड़ोसी रिश्तेदार खड़े, पूरी फील्ड में सिर्फ एक बंदा है जो ये चाहता है आप खेलो, पूरी फील्ड में सिर्फ एक बंदा है जो आपको मोटिवेट करता है,
बाकी सारे लोग ये चाहते हैं आप आउट हो जाओ, आप रन ना बना पाओ। वो एक बंदा कौन है जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा है, वो है अपलाइन। वो आपको मोटिवेट करता है, खेल, अबे तू कर सकता है, लगा रहे, टुक टुक कर, जो बॉल तेजी जाए छोड़ दे उसे, पर आउट नहीं होना, आउट नहीं होना। अपलाइन समझाता रहता है, लगा रहे, टुक टुक कर भाई, टुक टुक कर, विकेट मत दे। क्योंकि दोस्तों अगर आपने विकेट दे दी तो आगे पीछे जितने लोग खड़े हुए हैं ये सारे लोग क्या करेंगे, ये सारे लोग सेलिब्रेट करेंगे, यस बोला था मैंने, कुछ नहीं होता, छोड़ दे। आपके एक आउट होते ही ये सारे पड़ोसी रिश्तेदार सेलिब्रेट करेंगे, एंजॉय करेंगे आपकी डिफीट को। और अगर आपने मैच जिता दिया, आप सक्सेसफुल हो गए, आपने रन बना दिया, आपने छक्का मार दिया, तो ये सारे लोग आएंगे आपसे हैंडशेक करेंगे और आपसे बोलेंगे हमें तो पता था तू कुछ करेगा। नाउ चॉइस इज ऑल योर्स, टुक टुक खेलना है, छक्के मार के खेलना है, पर खेलना जरूर है, टिके रहना है। जो आउट हो गया, पवेलियन चला गया, वो रन नहीं बनाता, वो मैच देखता है सिर्फ। माय डियर फ्रेंड, आपने टिके रहना है। सो बहुत सारे चैलेंजेस के बाद मैं लगा रहा दोस्तों, मैं आपको सच बता रहा हूं कि मतलब मेरे पे 20-20 रुपए के मैं पेट्रोल ललवा के, 20 रुपए का पेट्रोल ललवा के मैं बाइक पे मीटिंग करने जाता था। अभी आप मेरी बाइक की कंडीशन देख लो, मैंने बाइक को 62,000 किलोमीटर चलाया, 62,000 किलोमीटर। लोगों को लगता है जी ये तो रातों रात पैदा हो गया होगा, शिवम गोस्वामी ये तो ऐसे ही निकल गया, कोई हो गई अनहोनी और होनी इसलिए बना है शिवम गोस्वामी। माय डियर फ्रेंड, अगर मैं आपको बताऊं, देयर इज नो ओवरनाइट सक्सेस, कोई भी ये वर्ड ओवरनाइट सक्सेस एग्जिस्ट नहीं करता। ओवरनाइट सक्सेस के पीछे बहुत सालों की मेहनत होती है, राइट? और जब मैंने इस बिजनेस को समझना शुरू किया, जब मैंने इस बिजनेस को करना शुरू किया, मेरा एक बार वाई क्लियर हो गया था, मेरे दिल ने भी बोला शिवम वेस्टीज, मेरे दिमाग ने भी बोला वेस्टीज, तो मैं क्यों करूं कोई और चीज। जहां पे मैं अपने सारे सपने पूरे, आपको पैसा चाहिए, आपको नेम फेम चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए, आपको आपको क्या चाहिए, लग्जरी कार चाहिए, विदेश यात्राएं चाहिए, समय की आजादी चाहिए, पैसे की आजादी चाहिए, अगर सारी चीजें एक रूफ के अंदर चाहिए तो आप सही जगह बैठे हो। तो जब मेरी ये चीज क्लियर हो गई थी कि आई एम इन टू द राइट प्लेस, फिर मेरे सामने कोई भी खड़ा हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर तो सर चाहे डेल स्टेन आ जाए बॉलिंग करवाने, चाहे मुथैया मुरलीधरन आ जाए, मुझे तो खेलना है फील्ड। एंड माय डियर फ्रेंड, मेरे दोस्त जब मुझे रिजेक्ट करते थे, घर से मुझे बहुत ज्यादा रिजेक्शन मिलती थी, कोई बात नहीं, याद रखना एक बहुत बड़ी लंबी लाइन, बहुत बहुत बड़ी लाइन सिखाने जा रहा हूं मैं आपको, रिजेक्शन इज टेम्परेरी, सक्सेस इज परमानेंट। जो आज आपको रिजेक्ट कर रहे हैं उनकी रिजेक्शन टेम्परेरी है, बट योर सक्सेस विल बी परमानेंट। विदेश यात्रा है, गाड़ी, लाखों रुपए महीना, वो परमानेंट होगा। उनकी रिजेक्शन टेम्परेरी है, वो आपको रिजेक्ट आज का समय देख के कर रहे हैं ना, उन्हें नहीं पता 3 साल बाद क्या होगा आपके साथ, आप कौन सी गाड़ी चला रहे होंगे, आप कितने रुपए महीना, लाखों रुपए महीना कमा रहे होंगे, उन्हें नहीं पता, बट यही तो हमने उन्हें दिखाना है। सो माय डियर फ्रेंड, नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए। दोस्तों मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मैं घर वालों से कभी मांगे नहीं, शुरू से सेल्फ मतलब मैं शुरू से इंडिपेंडेंट हूँ। और मुझे याद है 20-20 रुपए का पेट्रोल, कभी कभी बाइक में पेट्रोल खत्म हो जाता था ना, मैं हेलमेट डाल लेता था ताकि कोई ये ना देखे कि बाइक को धक्का कौन लगा रहा है। बारिश होती थी, भीग जाता था, भीगते हुए मीटिंग करता था। आप समझ रहे हो, अगर मैंने 62,000 किलोमीटर बाइक चलाई है, उस बाइक ने बेचारी ने सुसाइड कर लिया, कह रही ये नहीं छोड़ेगा मुझे, मैं ही खुद छोड़ देती हूँ इसे, उसने खुद सुसाइड कर लिया। और आप देखो, वो मैंने बेची नहीं है और ना ही मैं बेचूंगा, क्योंकि वो मेरी सबसे बड़ी पार्टनर है जिसने हर जगह पे मेरा साथ दिया। मैं यहाँ से मेरठ बाइक पे मीटिंग करने गया हूँ, मैं यहाँ से जयपुर बाइक पे मीटिंग करने गया हूँ। आपको आज दिख रहा है, आओ इंटरवल से पहले की पिक्चर दिखाता हूँ। मैं यहाँ से मीटिंग करने जाता था हरदोई जनरल डब्बे में,
जनरल डब्बे में बकरा और इंसान एक जैसा ही रहता है माय डियर फ्रेंड, मुझे, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं वॉशरूम के पास बैठ के मुंह पे कपड़ा बांध के जाता, जगह नहीं मिलती, और वापसी भी ऐसे आना होता था, दो दो तीन तीन दिन डाउनलाइन के आसपास के वहां पे लोगों को मीटिंग देना, समझाना, घर से दूर रह के काम करना, किशनगढ़ जाता था मीटिंग करने, राइट, मैं आपको बिजनौर जाता था बस में, कोई लेडी आती थी तो वहां ऑब्वियसली खड़ा होना पड़ता था, खड़े खड़े जाता था, खड़े खड़े जाता था, कैसे कैसे दिन देखे हैं, परचेजिंग करने के पैसे नहीं होते थे, प्रोडक्ट रिटेल करता, पर एक लीडर, लीडर कब बनता है बताऊं, बताऊं, जिसके चेहरे पे, जिसके चेहरे से कभी स्माइल नहीं जाती और जिसके जुबान पे कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बहुत बड़ी लाइन सिखा दी है, समझ में आए तो उतार लेना जीवन में। जिसके चेहरे से कभी स्माइल नहीं जाती और जिसकी जुबान पे कभी प्रॉब्लम नहीं आती, वो एक बड़ा लीडर बनता है। हम में से आधे लोग अपलाइन को रोते रहते हैं, सर आपको नहीं पता मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। अरे आपको नहीं पता, आपसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम दुनिया में रखी हुई है, आपसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम लोग झेल रहे हैं, आपको अपनी इसलिए बड़ी लगती है क्योंकि आपको दूसरों की नहीं पता उन्होंने क्या दिन देखे, कैसे दिन देखे। मेरे साथ भी काफी हेल्थ इश्यूज रहे थे, उस टॉपिक में नहीं जाऊंगा, बट यस माय डियर फ्रेंड, पहले महीने की इनकम आई 201, दूसरे महीने की इनकम आई 856, तीसरे महीने की इनकम आई 1698, चौथे महीने की इनकम आई 2129, पांचवे महीने डायरेक्टर बना, पांचवे महीने का चेक आया 5535 रुपए का। भगवान कसम, ना स्कीम फंड था, ना कंसिस्टेंसी स्कीम थी, ना डबल पीवी आया कभी, 7500 पे फास्ट डायरेक्टर होता था, 10000 एक पीवी पे डायरेक्टर बनते थे, उस समय तो पता नहीं कुछ था ही नहीं, इतना टफ था। और आज देखो, अभी कोई 23 ज्वाइनिंग करवा दे 100 पीवी की, वो फास्ट डायरेक्टर बन जा रहा है, खत्म, इतना आसान कर दिया है, इतना आसान कर दिया है। सो 5 महीने लगे, 5535 रुपए का चेक आया, डायरेक्टर बना, उससे अगले महीने का चेक आया 6500 रुपए का, फिर 8000 रुपए का, करते 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 एक साल बाद इनकम पहुंची 20000। खुश था मैं, चलो मैं अपनी पॉकेट निकाल पा रहा हूँ, पॉकेट मनी निकाल पा रहा हूँ। दोस्तों उस एक साल में सोचो कितने लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया होगा, मुझे क्या क्या बोला होगा, कैसे कैसे मैंने दिन देखे होंगे, घर वालों से मांगना नहीं, बाइक का अपना खुद का खर्चा निकालना। उसके अलावा मैं यही कोशिश करता था उस समय जब पैसा नहीं था, कि मैं अपनी मीटिंग्स आसपास वाले डीएलसीपी ऑफिसेज में करूं जहां तक मेरी बाइक जा पाए। उस समय मैं दूर नहीं कर पाता, उस समय जूम नहीं होता था, आप में से कोई मुझे पूरे इंडिया से देख रहे हैं आप, आज देखो कितना आसान हो गया है, थैंक्स टू गॉड। आप 2005 में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे, 2005 में तो इनकमिंग के भी रुपए लगते थे, आउटगोइंग के भी रुपए लगते थे, आज देखो हम एक दूसरे को देख रहे हैं कितनी दूर बैठ के। कभी सोचा था आपने 2005 में कि एक दिन ऐसा आएगा हम ऐसे नेटवर्किंग करेंगे? ये कोरोना नहीं आया, ये इन्वेंशन हुई है बहुत बड़ी, कोरोना ने जगाया है सबको, काम करने के तरीकों को बदलो। हम सोचते थे जी थाईलैंड में ऑफिस खुलेगा, गाना में ऑफिस खुलेगा तो जाएंगे साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, अब तो यहाँ बैठ गए, अब युगांडा में ज्वाइन करवा लो किसी को, होनोलुलु में ज्वाइन करवा लो किसी को, कहीं भी ज्वाइन करवा लो। इतनी इवोल्यूशन हो चुका है, इतनी चीजें नई आ चुकी हैं, कंपनी कितने नए नए प्रोडक्ट ला रही है, अब समझो। तो दोस्तों करते करते 2 साल बाद 24वें महीने की इनकम थी मेरी 38353 रुपए, 24वां महीना, 2 साल, और 2 सालों में याद रखना, ना मेरे चेहरे से कभी हंसी गई, ना मेरी जुबा पे कभी प्रॉब्लम आई। अ लीडर इज अ लीडर हु हैंडल प्रॉब्लम। एक लीडर वो लीडर तब बनता है जब वो प्रॉब्लम्स को हैंडल करता है। जो लीडर जितनी ज्यादा प्रॉब्लम हैंडल करेगा वो उतना बड़ा लीडर बनेगा। बिग प्रॉब्लम बिग प्रोग्रेस क्यों बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है, अ लीडर इज अ लीडर हु हैंडल प्रॉब्लम। एक लीडर तब बनता है जो ज्यादा मुश्किलें को, अभी आप, मैंने कल एक फोटो लगाई थी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, भुट्टा खाया आपने, भुट्टा अभी तुम ताजा ताजा उबला हुआ भुट्टा लो, कितने रुपए का आएगा, 10 रुपए का। लेकिन वही अगर वो आपको तपा के देगा, बुड्ढा, बुड्ढा नहीं भुट्टा, अगर वही आपको तपा के दे, जला के दे, तो कितने का वही भुट्टा, कितने का हो जाएगा, 20 रुपए का।
यानी भुट्टे को भी पता है, लोगों को पता है, अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो आपको अपने आप को तपाना तो पड़ेगा, अपने आप को जलाना तो पड़ेगा। 10 रुपए का भुट्टा 20 रुपए का हो जाता है जब वो चलता है, जब वो तपता है, राइट? तो सेम जब आप जलोगे, जब आप तपोगे, तभी आप अपनी वैल्यू बढ़ा पाओगे। 202 साल 38,000 रुपए महीने का चेक पर क्या फर्क पड़ता है? जब मंजिल क्लियर हो तो रास्ता कितना भी मुश्किल हो कभी फर्क नहीं पड़ता। जब आपको पता है यहां से मनाली जाना है तो रास्ते में कहीं जाम भी लग जाए तो आप इंतजार करोगे, ये नहीं जी गाड़ी वापस मोड़ लो चलो दिल्ली, आप नहीं जा रहे, आप इंतजार करोगे कोई नहीं यार 2 घंटे का जाम है उसके बाद तो हम पहाड़ बर्फ बर्फ ये। तो जब आप वो सारी चीजें सोचते हो, जब कहीं जाते हो घूमने, रास्ते की थकान नहीं होती आपको, पहुंचने का सुकून होता है माइंड में कि जब हम पहुंचेंगे तब कितना अच्छा लगेगा। तो सेम ये सोचो कि जब आप अपनी मंजिल पे पहुंचोगे उसके बाद क्या लाइफ होने वाली है, उसके बाद क्या कुछ होने वाला है वो सोचो, उसके बाद आपको क्या कुछ मिलने वाला है, क्या लाइफ आपकी होने वाली है। एंड माय डियर फ्रेंड, करते करते इनकम 3 साल बाद 1 लाख रुपए की पहुंची। 3 साल लगे 1 लाख महीना कमाने में, 3 साल, सुन रहे हैं आप मुझे, 3 साल लगे मुझे 1 लाख रुपए महीना कमाने में और अगला 1 साल लगा उस 1 लाख को 4 लाख करने में और उससे अगला 1 साल लगा उस 4 लाख को 11 लाख रुपए महीना करने में। आज एक महीने की इनकम, मेरे से कोई बंदा कहता सर आप 11 लाख रुपए महीना कमाते हो, मैंने कहा नहीं, कहता मैंने आपका चेक देखा था, मैंने कहा ढंग से नहीं देखा आपने, मेरी इनकम 11,19,159 रुपए भी बोल भाई पूरा बोल, 159 की भी बहुत वैल्यू है, शुरू शुरू में फास्ट रेट पे वही आता है, राइट? तो अंडर एस्टिमेट मत करो 159 रुपए को। तो 11,19,159 रुपए आप देख सकते हो आज मेरी इनकम है। बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारा टाइम ऐसा आया जब हाँ थॉट आता है माइंड में कि यार कुछ भी सही नहीं चल रहा, हम छोड़ देते हैं, पर जब भी कुछ सही नहीं चला थॉट आए आपके माइंड में, बेस्ट तरीका बताऊं क्या करो, बेस्ट तरीका अपने माँ बाप की और अपने बच्चों की फोटो अपने पर्स में रखो और जब भी आपके माइंड में ये थॉट आए उसे देख लो, आपको फिर से आग लगेगी कि नहीं मुझे अपने बच्चों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन देनी है, मुझे अपने बच्चों की जिंदगी बनानी है, मुझे अपने माँ बाप को वो सारी खुशियां देनी है जो उन्होंने मुझे दी आज तक, उनकी फोटो रखो और उन्हें देख लो, वही सबसे बड़ा मोटिवेशन है, वही सबसे बड़ा मोटिवेशन, राइट? सो माय डियर फ्रेंड, जब भी थॉट आए छोड़ना नहीं, अपने आप को डांट लेना, थप्पड़ मार लेना, उठ जाना और नहीं छोड़ना, नहीं कोई बात नहीं मैं करूंगा। हर गिरता है, रेसलिंग देखते हो आप, रेसलिंग WWE या WWF आपने कभी देखी होगी, अंडरटेकर, केन, ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस, जॉन सीना, कितना भी अच्छा रेसलर क्यों ना हो रिंग में गिरता जरूर है, उसके थप्पड़ घुसे जरूर पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा रेसलर होगा तो जो पिटेगा नहीं, पिटेगा हर कोई, गिरेगा हर कोई, पर हार किसकी मानी जाती है, जो गिर के उठता नहीं है, जो गिर के उठता नहीं है। सबके माइंड में थॉट आता है, सचिन तेंदुलकर के माइंड में आ सकता है तो आपके माइंड में क्यों नहीं आया? 2007 के वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर जब इंडिया हारी थी बांग्लादेश से तो सचिन तेंदुलकर ने बोला आई एम डन, घर आए अपने भाई अजीत तेंदुलकर से बोला आई एम डन, अब मैं रिटायरमेंट लूंगा, मैं नहीं खेलूंगा, क्योंकि वो बड़ा टफ टाइम था सबके लिए यार, इंडिया बांग्लादेश से हार गई और अजीत ने उस समय बोला नो सचिन, नो यू कांट रिटायर, नो सचिन, विनिंग, विक्ट्री और डिफीट इज अ पार्ट ऑफ अ गेम, विक्ट्री और डिफीट कांट स्टॉप अस टू सर्व फॉर द नेशन, जीतना और हारना ये गेम का पार्ट होता है, ये आपको इस देश को सर्व करने से नहीं रोक सकता। नो सचिन, इट्स नॉट द एंड ऑफ योर स्टोरी, ये आपकी स्टोरी का एंड नहीं है। और अपने आप को इन विजन करो
2011 वर्ल्ड कप जब इंडिया मैच जीती थी और सचिन लोगों के कंधों पे बैठा हुआ था, वो था सचिन तेंदुलकर का एंड। तो गिरा तो सचिन भी, थॉट तो सचिन के माइंड में भी आया, पर सचिन के साथ कौन था अपलाइन, कौन भाई? तो आपके साथ कौन खड़ा है? भाई खड़ा है। दोस्तों इस पूरी दुनिया में आपके माँ बाप, हो सकता है आपके माँ बाप, आपके टीचर्स, आपके दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, कोई ये ना बोले आप जीवन में कुछ कर सकते हो, सिर्फ एक अपलाइन जिससे आपका रिश्ता इसी बिजनेस में आके बनता है वो आपसे बोलता है कि आप कर सकते हो, और आप उनके सुनते जो ये कहते हैं जो नहीं कर सकते। दोस्तों 11,19,000 रुपए महीना, आप मुझे बताओ ना, मुझे कौन सा इंस्टीट्यूट इतना पैकेज दे देता? आज मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ एंजॉय करता हूं। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, जिन चीजों के लिए मैं आया था आज वेस्टीज में, वो सारी चीजें मुझे मिल चुकी हैं। अब तो मुझे सपने और ढूंढने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं, पर जो सपनों के लिए मैं आया था वो सारे सपने मेरे पूरे हो चुके हैं। सोच के देखो माय डियर फ्रेंड, आज 11,19,000 मजे की बात नहीं है। मजे की बात बताओ, मेरी टीम में 70 लोग हैं जिनकी इनकम 1,00,000 रुपए महीना है। किसी की दाढ़ी नहीं आई, गाड़ी आ गई, पति थे पहले करोड़पति बन गए। 70 लोगों की इनकम 1,00,000 रुपए महीना है, उनमें से आधों को ये नहीं पता उनकी डिग्री कहाँ है, और पता होना भी नहीं चाहिए क्योंकि विदेश जाने के लिए डिग्री नहीं लगती, पासपोर्ट लगता है। 70 लोग 1,00,000 रुपए महीना, सोच के देखो। दोस्तों वेस्टीज की बदौलत 10 विदेश यात्राएं कर चुका हूं, सिर्फ 10 बस, और पिछला फॉरेन ट्रिप में 105 लोग थे मेरी टीम से। इस बार मेरा टारगेट है 5 एरोप्लेन लेके जाऊंगा, पिछली बार 1 एरोप्लेन था, इस बार 505 लोगों को लेके जाऊंगा कम से कम, जनवरी फरवरी में ट्रिप होगा तो। और इसके अलावा माय डियर फ्रेंड, अभी 2 गाड़ियां हैं, पहली मैंने बलिनो ली थी 8.5 लाख रुपए की, और दूसरी गाड़ी मैंने ऑडी ली Q3 42 लाख रुपए की, अपने बाप के नहीं अपने आप के पैसों। जिस उम्र में लोग ये सोचते हैं दहेज में गाड़ी आ जाए, जिस उम्र में ये सोचते हैं लोग गाड़ी का क्या करना है, नैनो ले लो यार, वैगनार ले लो, 4 पहिए उसमें भी है, उसमें भी है, अच्छा। उस उम्र में आज मैं ऑडी ले चुका हूँ, और एक दिन मैं गाना सुन रहा था दिलजीत दोसांझ का, गाड़ी में गाना आ रहा था, डू यू नो तेरे लिए मुस्टैंग ले लई, डू यू नो, मैंने कहा डू यू नो ले लेंगे मुस्टैंग, आई एम अ वेस्टीजियन राइट। सो अगला टारगेट मेरा मुस्टैंग का है, और उसके बाद जो मेरा टारगेट है वो मैं बढ़ाता रहूंगा। माय डियर फ्रेंड, हफ्ते में दिन कितने होते हैं? 7। दुनिया में अजूबे कितने हैं? 7। वेस्टीज में अक्षर कितने हैं? 7। तो शिवम गोस्वामी पे गाड़ियां कितनी होंगी? 7, और 7ों अलग अलग कलर की। जब मेरा ड्राइवर आके मेरे से हर दिन पूछे सर आज कौन सी कलर की गाड़ी से जाना चाहते हो, उस दिन के लिए मैं वेस्टीज कर रहा हूँ, उस दिन के लिए। माय डियर फ्रेंड, आपको आपके घर वाले, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार पागल बोलते होंगे, है ना? मैं देख रहा हूँ कई लोग बैठे हैं और अपनी बीवी को कह रहे हैं चले जा जल्दी राइट। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को, आपको बहुत कुछ लोग बहुत कुछ बोलते होंगे, पर दोस्तों एक बात याद रख लो, क्या आपके मुश्किल समय में वो लोग आपके साथ खड़े होंगे? आपके भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे, कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए घर से, क्या पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार देने आएगा, पैसे देने आएगा? भगवान ना करे आपके आपके बच्चों को कल अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना पड़ेगा, क्या दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार आएगा देने? तो जब दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार किसी काम में काम नहीं आएंगे तो उनकी बातों का फर्क क्यों पड़ता है आपके ऊपर? उनकी बातों का फर्क क्यों पड़ता है? सबके चक्कर में पड़ोगे, घन चक्कर बनोगे। उनके चक्कर में पड़ना है जो अपने सपनों के चक्कर में, उनके चक्कर में पड़ना है जो अपने सपनों के चक्कर में। दोस्तों एक सवाल मैं आप लोगों से करता हूं, कोरोना आया, कल कोई और वायरस नहीं आ सकता क्या? कल कोई और वायरस नहीं आ सकता क्या? आज कोरोना आया, और कोरोना तो जगाने के लिए आया है। अगर इस
कोरोना वायरस की वजह से इस पेंडेमिक में अगर आपकी इनकम अफेक्ट हुई, आपका लाइफस्टाइल अफेक्ट हुआ है, तो आपको कुछ और सोचने की जरूरत है, यानी वेस्टेज करने की जरूरत है। कल कोई और भी वायरस आ सकता है, हम तो खेलते रहते हैं, डेंगू वायरस, चिकनगुनिया वायरस, H1N1, इबोला वायरस, तबोला, कोरोना, मरोना, डरोना, पता नहीं कौन कौन से वायरस आते रहते हैं, ये आते रहेंगे। पर दोस्तों सवाल ये, आप तैयार कितने हो, क्या आप तैयार हो? तो जो आज मेरी सक्सेस है, मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया आज से 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले मैंने अपने आप को, अपने माइंड को प्रिपेयर किया हर मुश्किलों के लिए, हर परिस्थितियों के लिए। और जैसा मैंने आपको बताया, शुरू के 3 साल इतना टफ थे, धूप बरसात भूख प्यास कुछ नहीं दिखती थी। शुरू के 3 साल में सिर्फ मुझे मेरा गोल दिखता था। दोस्तों अगर आप किसी गली से गुजर रहे हैं और वो गली बंद होती है, तो आप क्या करते हैं? वेट करते हैं, गली खुलने का वेट करते हैं, आप अपनी बाइक मोड़ते हैं, दूसरी गली से निकल जाते हैं, अपनी बाइक मोड़ते हैं, दूसरी गली से निकल जाते हैं। सफलता संघर्ष से मिलती है, संतुष्टि से नहीं। संघर्ष करो, लोगों की ना सुनो, जितनी बड़ी कामयाबी चाहिए उतनी बड़ी ना सुनो, उतनी ज्यादा ना सुनो, जितनी बड़ी ना उतनी बड़ी कामयाबी, जितनी ज्यादा ना उतनी बड़ी कामयाबी। आप खिलाड़ी तब नहीं बनते, विराट कोहली आज बहुत अच्छे शॉट लगाता है, कौन सी डिग्री है उसके पास? कोई डिग्री नहीं है, प्रैक्टिस, खेलता रहता है। शुरू में बहुत सारी बॉल खाली गई होंगी, बट कोई बात नहीं, बॉल खाली भी नहीं होती, वो खेलना सिखाती है हमें। सो हमें इस चीज को समझना है कि कैसे कैसे दिन अगर हमने देखे हैं, कितना संघर्ष हमने देखा है, कितने मेरे साथ बहुत सारे हेल्थ इश्यूज रहे हैं, डॉक्टरों ने बोल दिया था लड़का जीवन में चल नहीं पाएगा, क्या करूं? बट कोई बात नहीं, वो डॉक्टरों की राय थी, ऊपर वाले की राय और मेरी राय मेरे लिए कुछ और थी। थिंक अबाउट इट माई डियर फ्रेंड, थिंक अबाउट इट। और आप सबको यही बोलना चाहता हूं कि ये बिजनेस आपको वो दे सकता है जो आप सोच नहीं सकते, जो आप सोच नहीं सकते, पर मेहनत आपको वो करनी पड़ेगी। एक लाइन में कर नेपोलियन हिल की पढ़ रहा था, अगर आप अपनी इनकम से ज्यादा मेहनत करते हो, अगर आप इनकम जो अभी आपको मिल रही है उससे ज्यादा मेहनत करते हो, तो बहुत जल्दी जितनी आप मेहनत करोगे उससे ज्यादा आपको इनकम मिलेगी। आप समझे मेरी बात? अभी जो मेहनत कर रहे हो और इनकम कम आ रही है, तो बहुत जल्दी मेहनत कम होगी और इनकम ज्यादा आएगी। इस चीज को हमेशा याद रखना है इस बिजनेस में। दोस्तों द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड आर द मोस्ट रिजेक्टेड पीपल इन द वर्ल्ड। इस दुनिया के सबसे कामयाब लोग वो हैं जिन्हें सबसे ज्यादा रिजेक्शन मिली है, चाहे वो एडिसन हो, चाहे वो आइंस्टाइन हो, चाहे वो कोई भी हो। कामयाब होना है रिजेक्शन, यू हैव टू फेस रिजेक्शन। रिजेक्शन से बच के कामयाब हो ही नहीं सकते आप, रिजेक्शन से बच के कामयाब हो ही नहीं सकते। रिजेक्शन से लड़के आप कामयाब हो सकते हो, रिजेक्शन के सामने घुटने टेकने से आप कामयाब हो ही नहीं सकते। लड़ो, रिजेक्ट द रिजेक्शन। और उस लाइन को याद रखना, रिजेक्शन इज टेम्परेरी, सक्सेस इज परमानेंट। तो आज अपने आप से प्रण लो कि कितनी मुश्किलें आ जाएं यार, मुश्किलें लिमिटेड समय के लिए, सक्सेस हमेशा के लिए। तो जितनी मुश्किलें आ जाए देख लो ना, जब बारिश होती है ना, छोटे मोटे पंछी छुपने के लिए जगह ढूंढते हैं, लेकिन वहीं पे एक बाज होता है जो बादलों के ऊपर घूमता है, जो बादलों के ऊपर घूमता है। तो आपने मुश्किलों में छुपने की जगह नहीं ढूंढनी, आपने बादलों के ऊपर घूमना है और दिखाना है कि आप कितनी बड़ी उड़ान भरने के लिए पैदा हुए हो। आप सारे सुबह सुबह इतनी जल्दी उठ के ये सेमिनार ले रहे हो, यू ऑल वॉन्ट टू बी अ ड्रीम अचीवर। आप सारे अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, आप सारे डिसिप्लिन है, आप सारे लोग अपने करियर को लेके सीरियस है। मैं जानता हूं अगर आप सुबह इतनी जल्दी उठ के इस सेमिनार को लेते हैं तो आप कुछ करना चाहते हैं जीवन में। पर मुश्किलों से मत रुकना, मुश्किलों से मत डरना, मुश्किलों के सामने घुटने मत टेकना, क्योंकि वो ही आपको बनाने आती है। किसी का ग्राफ यूं सीधा नहीं गया, ऊपर नीचे अप डाउन क्रस्ट रफ चलता रहता है। यू हैव टू फेस रिजेक्शन, यू हैव टू फेस चैलेंजेस। मैं जब आया मेरे पे स्टूडेंट हंसते थे, साबुन तेल बेचते थे, क्या कर रहे हो, पागल है भाई, बहुत आते बंदे जोड़ने वाली कंपनियां, बहुत कुछ बोला गया, पर बहुत आती है ना,
और बहुत चली जाती है, और वेस्टी जाई है और बहुत लोगों को लेके जरूर जाएगी, पर करोड़पति पे लेके जरूर जाएगी, विदेशों में लेके जरूर जाएगी, उनकी लग्जरी कारों में। अब देखते रहना, जब इतने सारे लोग अचीव कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो इतने सारे लोगों की सक्सेस से सीखा करो कि इतने सारे लोगों ने कैसे कैसे दिन देखे होंगे, कैसे कैसे चैलेंजेस जिनके सामने आए होंगे, इन सबको देखना। दोस्त क्या कहता है, वो क्या कहता है, अरे ऊपर वाले ने दिया ना कान, एक कान से सुनो और दूसरे कान नहीं, इसी कान से निकाल दो, दूसरे में भी मत जाने दो, यहीं से निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें अपने आप को प्रूफ करने के लिए दोस्तों अपनी मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा। मेहनत बढ़ा दो, जब मुश्किलें बढ़े तो मेहनत बढ़ा दो, मुश्किलें बढ़े, चैलेंजेस बढ़े, प्रॉब्लम नाम को वर्ड को अपनी दुनिया से रिमूव कर दो। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होती है, चैलेंज होता है। आज से कोई ये नहीं बोलेगा मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, बोले वो मेरी लाइफ में एक चैलेंज है। और चैलेंज का मतलब क्या होता है, उसे फेस करना। चैलेंज का मतलब क्या होता है, उसे फेस करना। प्रॉब्लम मतलब होता है उसे एक्सेप्ट करना। अब एक्सेप्ट मत करो प्रॉब्लम, उसे चैलेंज को फेस करो। और हमेशा अपने आप से सवाल करो, इस महीने आपकी टीम में कितने लोगों ने कंसिस्टेंसी ली, अगले महीने इसके डबल लोग लेंगे। हमारे बिजनेस में दो चीजें बहुत ज्यादा कामयाब होने के लिए चाहिए, कि क्या, रिक्रूटमेंट और रिटेनमेंट। नए नए लोगों को रिक्रूट करना और उन लोगों को रिटेन करना, और उन लोगों के लिए हमारे पास कंसिस्टेंसी स्कीम। इस बिजनेस में कामयाब होना है तो कंसिस्टेंसी स्कीम पे पूरा फोकस करो। आपकी पिछली बार टीम में कितने लोगों ने कंसिस्टेंसी ली, इस बार कितने लोगों ने ली, पूरा डेटा आपके पास होना चाहिए, पूरी तैयारी आपके पास होनी चाहिए। तैयारी पूरी करते नहीं है और उम्मीद बहुत ज्यादा रखते हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल माय डियर फ्रेंड। सक्सेस नहीं आएगी आपके पास। मेरी आज भी मेरे पास हर टीम की मेरी डिटेल है, और हर बड़ा लीडर अपने आप से एक सवाल करता है, फ्रॉम हेयर वेयर, अब यहां से मुझे कहां जाना है, इस महीने जो लेवल अचीव किया अब अगला लेवल कौन सा है, इस महीने जो इनकम आई अब अगले महीने कितनी इनकम आपको करनी है। एग्रेसिव मोड में काम करो, एग्रेसिव मोड में, लीनिएंट लेजी मोड में काम मत करो, एग्रेसिव मोड। यस तो बेस्ट, नो तो नेक्स्ट। हां कहता है तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम, आगे चलो। हां है तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। आता है ठीक है, नहीं तो मूव ऑन। दुनिया बहुत बड़ी है, 132 करोड़ है, बहुत सारे लोग पड़े हैं अभी, बहुत सारे लोगों तक वेस्टीज नहीं पहुंची अभी, उन तक पहुंचाना आपका काम है। पर द चैलेंजेस यू आर गोइंग टू फेस टुडे विल बी द प्लेजर फॉर यू टुमारो। जो आज आप मुश्किलें देखना चाहते हो वही आपके लिए प्लेजर बनेंगी कल। कोई शॉर्टकट नहीं है। 3 साल, 2 साल, 24 महीने मेरी इनकम थी 38,000 रुपए, टिक सकते हो, घर चला सकते हो 24वें महीने, और सोचो उस दौरान क्या क्या हुआ होगा। 5-5 किलोमीटर पैदल भी गया हूं फॉलोअप करने, 5-5 किलोमीटर पैदल गया हूं फॉलोअप करने। दोपहर में खाना नहीं खाते थे, मीटिंग्स खाते थे, फॉलोअप खाते थे, सबको। आधे लोग काम करते हैं 2 घंटे फील्ड पे उतरते नहीं है, भूख लग गई जी, अजी भूख लग गई तो भूख मिटा लो, या कामयाबी की भूख मिटा लो। होश नहीं होता भूख भूख का, जो लोग जिनके बर्निंग डिजायर होते हैं उन्हें पता नहीं होता कि कब खाना खाना है, कब काम करना है। होश नहीं होना चाहिए आपको, दिन कब हो रहा है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रातें छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। आप सारे ड्रीमर हो, और आप में से कुछ ही लोग ड्रीम अचीवर बनेंगे। ड्रीमर कौन है, जो सपने देखता है। एवरीबडी इज अ ड्रीमर, ड्रीमर सपने देख रहा है, हर कोई देख रहा है, पर कुछ ही लोग हैं जो ड्रीम अचीवर बनते हैं। उन सपनों को पूरा करना है। इस दुनिया में कब आए और कब चले, कई पिक्चर होती है ना, कब आई कब चली गई पता ही नहीं लगी। अरे वैसी पिक्चर नहीं बनना, एक मूवी मिली है, एक बार लाइफ मिली है, अपनी मूवी को हिट बनाना है, अपनी स्टोरी को हिट बनाना है। मुझे पता है आप सब बहुत स्ट्रगल देख रहे हो, आप सबके पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं, पर एक दिन इन्हें दुनिया सुनेगी अगर आप डटे रहे, क्योंकि कामयाबी हटने से नहीं डटने से मिलती है।
डटे रहो, टिके रहो, जो टिक गया वो बिक गया, जो टिकेगा वो बिकेगा, जो आप में से टिकेगा वो ही बिकेगा। गिव योर बेस्ट, रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं होते, रिजल्ट्स मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे हाथ में नहीं है, और रिजल्ट्स की आपको कामना भी नहीं करनी। आपने अपने लिए एक टारगेट बनाया, उस टारगेट तक पहुंचे तो अच्छी चीज है, नहीं तो कोई बात नहीं, अगले महीने और हम उस टारगेट को अचीव करने के पूरी फाइट करेंगे। बट डिमोटिवेट नहीं होंगे, हुआ नहीं, छोड़ देते हैं। अच्छा, छोड़ दोगे तो क्या करोगे? बुढ़ापे में एक बीमारी लग जाती है और सारी पैसा उसी बीमारी में चले जाता है, सेविंग जिए कब? सारी जिंदगी बच्चों की शादी करनी है, उसके लिए पैसा जोड़ना है। अरे एक महीने की इनकम से शादी कर लो ना, इतना कमाओ, क्यों पैसा जोड़ना, एंजॉय करो। और सोचो, जोर डालो इस पे, दिमाग पे जोर डालो और फील्ड पे जोर डालो, फील्ड पे परफॉर्मेंस दो, फील्ड पे। स्लेजिंग वर्ड होता है एक, स्लेजिंग क्रिकेट में, जहां पे एक प्लेयर दूसरे को उकसाता है, प्रोवोक करता है ताकि वो गलत शॉट लगाए और सामने वाला आउट हो जाए। पर माय डियर फ्रेंड, सचिन तेंदुलकर पे आज तक ये वर्ड कभी काम नहीं किया, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने हमेशा जवाब अपने बल्ले से दिया, इसलिए उसे गॉड ऑफ क्रिकेट बोलता है। आपको कभी भी जवाब, किसी को कोई आपको बोल दे तुम्हारी, तुम सही नहीं हो, तुम्हारी बेस्टी, ये तेरी तुम आस्तीन चढ़ा, अच्छा अभी बता, कुछ नहीं, उसे आंसर देगी आपकी सक्सेस। He is waiting for your success. He is waiting for your achievements. बहुत सारे लोग जिन्हें आप मीटिंग देते हो और वो ज्वाइन ना करें, उनका एक ग्रुप बना लो, एक ग्रुप बना लेना, ब्रॉडकास्ट ग्रुप, और ऊपर लिख देना ग्रुप का नाम, बाद में आएगा, ठीक है? जितने लोगों को मीटिंग देते हो वो लोग ज्वाइन ना करें, उनका एक ग्रुप बनाओ, ब्रॉडकास्ट ग्रुप, और उसका नाम क्या लिखना है? बाद में आएगा या जल्दी आएगा या साइड मेंटेनेंस, कुछ भी नाम लिख सकते हो आप, या जल्दी टपकेगा, कुछ भी नाम लिखो। और जितने लोगों को मीटिंग दे रहे हो वो नहीं आ रहे हैं, हर महीने वेस्टीज की अचीवमेंट्स, अपनी अचीवमेंट्स उस ग्रुप में डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, दिल सबका धड़कता है और वो जल्दी से तुम्हारी बिजनेस में टपकेगा। डालते रहो, जलाते रहो। भाई साहब, मुझे ऑडी चलाने में मजा नहीं आता। जो लोग मेरे पे हंसते थे, जो पागल बोलते थे ना, जब वो बोलते हैं हमें तो पता था तू कुछ करेगा, मुझे वो सुनने में मजा आता है, राइट? सो माय डियर फ्रेंड, हम सारे लोग यहाँ पे हैं, स्ट्रगल बहुत ज्यादा जरूरी है, संघर्ष बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को लेट मिल जाता है। मेरी टीम में आज लोग 6-6 महीने में क्राउन बन रहे हैं, 3-3 महीने में क्राउन बन रहे हैं, और मैं कहूँ जी मुझे तो 3 साल लग गए 1 लाख कमाने, वो जी एक लड़का कुशाल शर्मा 24 साल का लड़का, 1 साल में ही 8 लाख महीने पे पहुंच गया, आप जानते हैं उन्हें? चलो अब मैं आपको बताता हूं, 1 साल में 8 लाख महीने पे नहीं पहुंचा, इससे पहले 6 साल वो किसी और कंपनी में था, 7 साल बाद वो 8 लाख महीने पे है। तो ये मत देखा करो जी 1 साल वेस्टीज में, 6 साल से किसी और कंपनी में भी तो काम किया है, वहां पे भी तो मेहनत करी है, वहां का भी तो नेटवर्क है, कामयाबी का प्रोसेस है। सिद्धार्थ सर के आप देखो, 10 साल वेस्टीज के और 10 साल लास्ट ऑर्गेनाइजेशन के, विवेक सर के आप देखो, आप आज की पिक्चर देख रहे हो, पहले की भी तो पिक्चरें देखो। सो माय डियर फ्रेंड, संघर्ष करना पड़ता है, 3 साल लगे, 4 साल लगे, 3 साल तो आप मिनिमम दो, 3 साल तो आप मेहनत करो ही करो, 3 साल कितनी मुश्किलें आ जाएं, चैलेंजेस आ जाएं, आपको फेस करने हैं। और लीडर की क्या खूबी, कभी भूलना मत जो आज बताई है, चेहरे से हंसी जाती नहीं और जुबा पे प्रॉब्लम आती नहीं, चेहरे पे हंसी, हंसना सारे लोग एक बार, ऊपर वाले ने इतनी स्माइल दी है आपको, इतना अच्छा दांत दिए हैं, हंस लो यार, जब तक दांत दिए हैं, फिर दांत नहीं दे चले जाएंगे तो हंस भी नहीं पाओगे, किसी को बत्तीसी दिखा भी नहीं पाओगे, राइट? सो जब तक दिए स्माइल, एंजॉय, आज ये मुश्किलें आ रही हैं दोबारा नहीं आएंगी, दोबारा नहीं आएंगी। आज आपसे लोग पूछते होंगे तुमने कितना कमा लिया, आज मेरे से कोई नहीं पूछता, शुरू में मेरे से भी पूछते थे, अब मेरे से कोई पूछ ले तूने कितना कमा लिया, मैं भाई साहब पासबुक ठूस दूं उनके मुंह में, पर आज कोई पूछता ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं। बट ये आपकी जगह पे था, जब मैं बहुत मेहनत कर रहा, पूछते थे भाई तेरी ऑडी में बैठ जाएंगे हम, ना छोड़,
हम तेरी ओडी में, तू ले लियो तेरी ओडी में, आज मेरे घर की तरफ करवट करके भी सोते वो, आप समझ रहे हो। सो आपके हाथ में, लोग आपके बारे में पॉजिटिव बोलेंगे, लोग आपके बारे में नेगेटिव बोलेंगे, लोग आपके बारे में जो भी बोलेंगे, इट्स ऑल इन योर हैंड्स। आप छोड़ दोगे वो आपके बारे में नेगेटिव बोलेंगे, आप लगे रहोगे अपने सपनों को, वो आपका विरोध करेंगे, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, और आप जीत जाओगे तो वही आपको अप्रिशिएट करेंगे। सब कुछ, एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स, हर चीज आपके हाथ में। माय डियर फ्रेंड, हर लीडर से आप यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखते हैं, पर हर लीडर से सीख के उसे इम्प्लीमेंट करने से सक्सेस मिलेगी, सिर्फ सीखने से नहीं मिलती। मोबाइल भरने से, अभी देखो बहुत सारे लोग मैसेज करेंगे सर मजा आ गया, क्योंकि वो मजे लेने आए थे, पर बहुत सारे लोग मैसेज करेंगे सर आज बहुत कुछ सीखा, आज बहुत कुछ समझा, आज हमारा दोबारा जन्म हुआ है। लाइफ में इंसान का जन्म दो बार होता है, पहली बार जब वो पैदा होता है, और दूसरी बार तब जब उसे पता लगता है वो पैदा क्यों हुआ है। द डे यू रियलाइज व्हाई यू बॉर्न, जिस दिन आपको पता लगता है आप इस दुनिया में क्यों आए हो। हम लोगों की मदद करने आए हैं, हम अपने सपने पूरे करने आए हैं, लोगों के सपने पूरे करने आए हैं। आप किसी भिखारी को 10 रुपए देते हो, आप उसे भिखारी बनाते हो, किसी बंदे को 10 रुपए देते हो, भिखारी बनाते हो। हम यहाँ पे किसी को 10 रुपए कमाना सिखाते हैं, हम उसे लीडर बनाते हैं। हमसे बड़ा कोई पुण्य का काम इस धरती पे कोई कर नहीं रहा, आप समझ लो। यू आर टचिंग मैनी लाइव्स, यू आर चेंजिंग मैनी इंडिविजुअल्स लाइफ। लगे रहो, बेस्ट दो अपना। और मांझी की एक लाइन जीवन में याद रखना, मांझी द माउंटेन मैन, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सो माय डियर फ्रेंड, जब तक होगा नहीं तब तक लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, लगे, राइट। सो यही चीजें थी जो मैं आज आपसे सबसे डिस्कस करना चाहता था, शेयर करना चाहता था। और आई होप फरवरी में फॉरेन ट्रिप अगर होगा, हो ना हो मुझे नहीं पता, होगा नहीं होगा, पर अगर हो तो आप में से मैं बहुत सारे लोगों से मैं वहां मिलना चाहता हूँ। अगले 6 महीने आपके पास हैं, जान लगा दो, जान लगा दो। ट्रिप हो ना हो वो हमारे हाथ में नहीं है, पर ट्रिप को अचीव करके रखना हमारे हाथ में है। और वहां मैं आपसे मिलूंगा, और आप कहेंगे सर आपको याद है आपने, मैंने आज तक ना जीवन में सुबह एक ही सेशन लिया है, यही वाला, मैं कभी लिया ही नहीं कोई सेशन। तो आप मेरे से कहेंगे ना सर वो सुबह का सेशन हुआ था, मॉर्निंग वाला, तो मैं समझ जाऊंगा। और आप कहेंगे कि सर उस दिन से मैंने मेहनत करना स्टार्ट करी थी, आज 6 महीने हो गए हैं, और सर आज मैं आपके साथ फॉरेन ट्रिप में हूँ, कसम खा रहा हूँ मैं आपको हग कर लूंगा, मैं आपसे शेक हैंड करूंगा, और हम एक दूसरे से फोटो खिंचवाएंगे, मैं लिटरली बता रहा हूँ। पर आई वॉन्ट यू टू बी अ विनर, आई वॉन्ट यू टू बी अ चैंपियन, आई वॉन्ट यू टू बी अ फाइटर, आई वॉन्ट यू टू अचीव एवरीथिंग यू डिजर्व। आपको वो सारी चीजें डिजर्व करते हो तो उसके लिए फाइट करनी है। कहते हैं इफ यू डोंट फाइट फॉर द वन, अगर आप उन चीजों के लिए फाइट नहीं करते जो आप डिजर्व करते हो, तो आपको जिंदगी में आप रोते रहो। फाइट करो, फाइट करो, फाइट टू अचीव, फाइट टू अचीव। डोंट क्राई फॉर व्हाट यू लॉस्ट, ऑलवेज फाइट व्हाट यू वांट टू अचीव। उनकी फाइट करो जो आप अचीव करना चाहते हो। तो आप में से कितने लोग हैं जो अगर फरवरी में विदेश यात्रा जाएगी तो आप मुझे वहां पर मिलेंगे विदेश में? थम्स अप, थम्स अप। चलिए, बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं सर हम आपके साथ होंगे पक्का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आज इतना कीमती समय आप सबने निकाला दिया, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब हम सारे लोग अपनी सक्सेस पे जाएंगे। दोस्तों, एक इंसान की सक्सेस बहुत सारे सक्सेस का कारण बनती है, याद रखना। आपकी सक्सेस से बहुत सारे लोग इंस्पायर होने वाले हैं, आपकी सक्सेस को देखने के बाद बहुत सारे लोग सक्सेसफुल होने वाले हैं, ट्रस्ट मी। तो आपका सक्सेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके ऊपर भी बहुत सारे लोगों का रोजगार डिपेंड करता है। यू आर एंटरप्रेन्योर, वी आर एंटरप्रेन्योर, राइट। सो थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन फॉर योर टाइम एंड लव, एंड आई होप यू विल इम्प्लीमेंट ऑल दोस थिंग्स व्हिच आई हैव टॉट यू टुडे, राइट। सो थैंक यू सो वेरी मच राजीव सर, टीम आत्मनिर्भर, शिवराज सर एंड एवरीवन। थैंक्स टू माय सीनियर धर्मेंद्र मान सर, विवेक सर, सिद्धार्थ सर,
जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि आई एम एबल टू टच मेनी लाइव्स, राइट? सो थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच शिवम जी, और बहुत ही शानदार, वंडरफुल और आई ओपनिंग आज सेशन रहा, और मुझे लगता है कि बहुत सारे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट आए हुए हैं। इस बार जो फॉरेन टूर जाएगा आपको जप्पी पाने के लिए लोगों की लाइन लगने वाली है, बिकॉज पहला ही सेशन आपने जैसा आपने बताया मॉर्निंग में किया है, और वाकई में दिल से थैंक यू सो मच इतने सारे लोगों को इतना वैल्यू देने के लिए। थैंक यू सो मच।